हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक होल्डर लेके आई हूँ। और ये होल्डर बनाने का एक खास उद्देश्य मेरा ये था कि इसको हम मेन डोर पे टांगें। मेन डोर पे इसलिए क्योंकि सुबह के समय ज़्यादातर लोग डेयरी से दूध लाते हैं, लेकिन बहुत लोगों के यहाँ पैकेट का दूध आता है, बॉटल का दूध आता है, तो दरवाजे पर रखा रहता है, तो किसी बच्चे का पैर लग सकता है, फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, और खाने पीने की चीज़ नीचे रहें अच्छा नहीं लगता है। तो क्यों ना हम उसको मेन डोर पे कुछ ऐसा लगा दें। बहुत जगह लोग पॉलीथीन लटका देते हैं, थैली लटका देते हैं, मैगजीन होल्डर लगा देते हैं, बाल्टियाँ रख देते हैं। तो मैंने भी एक उपाय निकाला कि चलो दरवाजे पे टांग देते हैं, दरवाजे की खाली रहेगा तो दरवाजे की शोभा भी बढ़ेगी, सामान भी रखा जा सकता है इसमें। मान लीजिए आप घर पे नहीं है, कोई पोस्टमैन आता है, आपका लेटर भी डाल सकता है, दूध वाला दूध डाल सकता है, पेपर वाला पेपर डाल सकता है, या कुरियर वाला कुरियर छोटा मोटा अगर है तो उसमें डाल सकता है। तो इस पर्पज से मैंने इसको बनाया है। और इसमें ये सामने हमारी पॉकेट है, ये इतनी गहरी पूरी पॉकेट है, इसमें काफ़ी सामान आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का होल्डर बनाने के लिए हमें सामान चाहिए 8x16 इंच के 2 पीस क्विल्टेड या थिक फैब्रिक, 2x34 इंच की स्ट्राइप्स 1। अगर आपको यहाँ पे, ये मैंने फ्रिल के लिए लिया है, अगर आपको फ्रिल ज़्यादा घनी करनी है तो आप 34 से उसको और आगे बढ़ा सकती हैं। फिर हमें चाहिए 2x16 इंच का 1 स्ट्राइप अलग से, 8x6 इंच का 1 पीस फैब्रिक और इलास्टिक 8 इंच की 1 सॉक्स चाहिए होगा, स्किन कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा, 1 CD गुगली आई स्पेयर में चाहिए होगी, रेड फेल्ट लिप्स मैंने लिखा है, तो फेल्ट जो क्राफ्ट की शॉप पे मिलता है फेल्ट, उससे मैंने लिप्स बनाए हैं, तो वो रेड कलर का चाहिए होगा हमें, कॉटन फैब्रिक ग्लू, लेस हमें ब्लैक चाहिए होगी, डोरी 5 इंच की कॉटन की 1 चाहिए होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू कर। सबसे पहले हम सॉक्स लेंगे। सॉक्स का जो ये फिंगर वाला हिस्सा है इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे, इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसमें सीढ़ी डालेंगे। सीढ़ी को, ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे डबल इलास्टिक होती है हमारी, इसको हमें यहाँ पर पलटना है, इस तरह से ये हम पलट देंगे। पलटने के बाद ये इस तरह से हमारी सीढ़ी दिखनी चाहिए, और यहाँ पर जहाँ पे ये सीढ़ी ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। हमारी सीढ़ी यहाँ पर ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर ये एक हमने निशान लगा लिया। अब हम सीढ़ी को निकालेंगे और इसको पूरा सीधा करते हुए बीच में से मशीन चला देंगे, जहाँ से सीढ़ी ख़त्म होने का निशान लगाया था बीचों बीच मशीन यहाँ पर निशान लगा के मशीन इसके किनारे किनारे चलाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ बीच में कट करना है। और इसको यहाँ से ऐसे करके इस तरह से सिलते हुए आएंगे। अब इसको हम बीच में से कट कर देंगे जहाँ पर निशान लगाया है, और अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसमें हम जो हमारे पास रुई है इसको भरेंगे। इतनी रुई भरने के बाद ये जो सिलाई है हमारी, इससे थोड़ा सा ऊपर तक हमने रुई और भरी है, और अब इसमें हम सीढ़ी डालेंगे। जो हमारा बैक साइड होगा उधर हमें रुई नहीं फिल करनी है, जो फ्रंट होगा केवल फ्रंट में हमें सीढ़ी के ऊपर कॉटन भरनी है। तो ये हमारी यहाँ तक सीढ़ी आ गई है, और अब हम इसको यहाँ पर पहले बांध देंगे। किसी भी धागे से इसको हम यहाँ पर बांधेंगे, बहुत टाइट नहीं बांधना है, बहुत ढीला नहीं बांधना है। अब इसको बांधने के बाद
जितना इसका घेर है पीछे कर देंगे इस तरह से, यहाँ पर फ्लैट कर देंगे, ये हमारा यहाँ पे बंध जाएगा। अब इसमें हम रुई भरेंगे, ये हमारा फ्रंट है तो इसमें हमें रुई भरना है। इस तरह से शेप देने के बाद अब हम इसको, ये जो ऊपर का हमारा हिस्सा है जो डबल वाला हिस्सा है, इसको हम थोड़ा और खींचेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से हमें डबल करना है। तो इसके पहले हम ये जो बीच का एरिया है जो यहाँ पे डबल होता है, जो हमारा पिंडली की तरफ आता है, यहाँ से करीब हाफ इंच ऊपर लेकर के इसको हम कच्चा करेंगे। कच्चा हमने पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर रुई भरते समय उसमें उंगली फंस सकती है तो फिर वो सफाई नहीं आती काम करने में। और इस तरह से टाइट है, आराम से कच्चा हो जाएगा। अब इसको कच्चा करने के बाद इसको हम खींच के बांधेंगे। तो ये सीडी के ऊपर आ जाएगा, इसे हमें कस के खींच के बांधना है। ये इस तरह से आ गया और अभी हम इसको कुछ काटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इस तरह से कोई मजबूत डोरी ले लें, इसमें यहाँ पर नॉट लगा दें। ये हमारी नॉट लग गई है। अब ये जो होल है हमारा, ये देखिए, ये पलट के कुछ इस तरह से आएगा और ये जो होल है हमारा, अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने सिलाई की थी। ये हमारा सुई धागा है और ये हमने यहाँ पर सिलाई की थी तो हमने इसको अंदर उंगली की मदद से या किसी चीज़ की मदद से जो नॉट थी अंदर डाल दी है। इस तरह से हमें केवल लूप इतना चाहिए, अब डोरी नहीं रखनी है। और ये देखिए, ये मजबूत हो गया है। अब ये जो ऊपर का सिरा है इसको हम पूरा इसी तरह से इसी धागे से सिल देंगे, इसका पूरा बंद कर देंगे और मोटे धागे से इसको सिलना है। और इसको हम काट देंगे और ये जो अंदर हमने यहाँ पे नॉट लगाई थी सफाई से, इसको भी कट कर देंगे। ये हमारा पीस इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा है, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और ये एकदम मजबूत हो गया। इस तरह से सिलाई हो जाने के बाद अब इसमें हम लेस लेंगे, काले रंग की रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। लेस लेने के बाद लेस में हम कच्ची सिलाई करेंगे जो ऊपर की बारीक लाइन है। इस तरह से कच्चा कर लेने के बाद इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, पूरा ये यहाँ से इतना कवर करना है हमें, घेर को बराबर रखते हुए इस तरह से हमें इसको लगाना है। ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया और अब इसमें हम फैब्रिक ग्लू की मदद से लिप्स और आइस लगाएंगे। तो पहले सब सेट कर लेते हैं। और जब तक ये हमारा सूखेगा तब तक हम अपना आगे का काम कर लेते हैं। इसको सूखने के लिए अब हम रख देंगे। अब हमारे पास जो 8x16 इंच का क्विल्टर पीस है वो हमने एक साइड से राउंड शेप में हल्का सा काट दिया है
और जिधर से राउंड शेप में काटा है, अब यहाँ से 1 इंच के एक एरिए से ये राउंड शेप पूरा लेते हुए हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। और फ्रिल जो है हमारी, आपको उस हिसाब से लेना है फ्रिल के लिए कपड़ा कि जितना आपको घेर चाहिए। कम प्लेट चाहिए तो छोटी लगेगी, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लंबी स्ट्रेप्स लगेगी। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि फ्रिल के लिए आपने कितना कपड़ा लिया, तो फ्रिल बनाने के लिए फ्रिल के लिए कोई एक मेजरमेंट नहीं निकाली जा सकती। फ्रिल कम भी पड़ सकती है, ज़्यादा भी पड़ सकती है, तो आप अपने हिसाब से उसकी लंबाई ले लें। फ्रिल लग गई। अब इसमें हम 2x16 इंच की पाइपिंग लेंगे और 8 इंच की जो हमारी इलास्टिक है उसको लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो फ्रिल वाला हिस्सा है उसमें ही हमें इलास्टिक लगानी है। तो इसको बस सिंपल यहाँ रखना है, पहले इस पाइपिंग को हम इस तरह से मोड़ के यहाँ पे फिनिशिंग देंगे। बस इसको इतना मोड़ना है कि इसके अंदर हमारी इलास्टिक चली जाए। ये 2 इंच की है। ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब इसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। और ये इलास्टिक किनारे आने पर ये हमारी यहाँ पर आ गई है। अब इस पर हम 3-4 मशीन चला देंगे जिससे कि ये और ये हमारा इस तरह से तैयार होगा। और ये जो हमने 8 इंच की जो इलास्टिक ली थी, अब उसको हम यहाँ पर 2 इंच लगभग बाहर निकाल के कट करेंगे और यहाँ पे सिल देंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी डालते समय खींच चुकी है, इसलिए इसको इतना कट करना ज़रूरी है, इसलिए बढ़ा के सामान लिया जाता है। अब इसको तैयार करने के बाद दूसरा क्विल्टेड पीस लेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। ये जो हमारा 8 इंच का एरिया है, इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से, और ये जो क्विल्टेड पीस है इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से। और अब हमें दोनों सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से इस कपड़े में इतनी फ्रिल डालनी है कि ये पूरा 8 इंच के बराबर आ जाए। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर पिन कर देंगे और फ्रिल डालते हुए सिल देंगे। ये देखिए, ये इसके एकदम बराबर आ गया। अब इसको हम जोड़ देंगे।
के सिलजाने के बाद अब इसको हम इस तरफ से सफाई से इसको भी जोड़ देंगे और हमारा ये जो है पार्ट इतना खाली आना चाहिए। इसके साथ ही इसको जोड़ेंगे और नीचे से जो इसका फोल्ड किया हुआ कपड़ा है वो हटाते जाना है। और हमारे पास जो इसके दोनों सिरे हैं ये भी खुले रहेंगे, इन्हें हमें बंद नहीं करना है। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और ये जो सिरे हैं इसको छोड़ते हुए, ये जो हमने अभी 6x8 का पीस जोड़ा है इसमें, इसको छोड़ते हुए यहाँ से पूरा इसे बंद कर देंगे। और ये जो फ्रिल का हिस्सा है, फ्रिल को यहाँ पर एक प्लेट देते हुए इस तरह से, ये अंदर रहेगी फ्रिल, लेकिन जो इसका सिरा है उसको हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इसके साथ सिल देंगे ताकि इसका सिरा जो है सिल जाए और बाकी फ्रिल अंदर करते हुए दोनों क्विल्टेड पीस हमें जोड़ देना है। लास्ट में जो फ्रिल का दूसरा सिरा है उसको भी सेम पैटर्न पर फोल्ड करते हुए सिलेंगे। अब इसको हम सीधा करते हैं और ये जो फ्रिल हमने लगाई थी ये देखिए यहाँ पे हमने अंदर फोल्ड कर दी है तो दूसरा सिरा बंद हो गया है। और अब हमें इसके किनारे एक महीन सिलाई चलानी है। ये हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। अब ये जो हमारा पीस है इसको हम सेंटर निकालेंगे, पूरा इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से, इसको मोड़ के सेंटर निकाल लेते हैं। ये हमारा सेंटर है और यहाँ पर हम बहुत सफाई के साथ करीब 1/2 इंच का कट दे देंगे और यहाँ पर ये हमारा होल हो गया है। अब इसमें ये जो हमारी डॉल है इसको डालना है और इसके ये जो दोनों सिरे हैं इस जो हमने अभी सिलाई नहीं की है 6x8 इंच वाले पीस में, वहाँ से इसको हमें बाहर निकालना है। तो ये जो हमने कट किया है और ये हमारी इलास्टिक है, ये इसका चेहरा इस इलास्टिक की तरफ होना चाहिए। अब हम इसमें 1/2 इंच का कट इसलिए दिया है क्योंकि वो खींचते खींचते अपने आप बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा काट देंगे तो बहुत बड़ा होल हो जाएगा, इसलिए 1/2 इंच का कट लिया है। ये हमारा इस तरह से ये आ गया। अब हमें ये जो इसका सिरा है इसको और अच्छे से पहले खींच लेते हैं, सेट कर लेंगे। ये सेट हो गया हमारा, ये और ये जो सिरे हैं अब हमें इसको सिलना होगा। तो इसकी सिलाई हाथ से करेंगे और इसको यहाँ पर पलटते हुए, इसको हम यहाँ पलटेंगे इस तरह से, कपड़े पर कच्ची सिलाई करेंगे। इसको करने के बाद अब ये पूरा धागा हम बहुत आराम से खींचेंगे
और खींचने के बाद यहाँ पर हाथ से दबाते हुए इसमें जो ये पीस है जो सॉक्स के साथ हमने फिल किया है उसके साथ नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब चारों तरफ से इसको हम जो सॉक्स में रुई है उसके साथ सिल देंगे। इसमें जो लिप्स और आइज़ लगाई गई हैं आप पूरा तैयार करने के बाद लगा सकते हैं, और मुझे तो आपको दिखाना है पूरा करके इसलिए मैंने उसको तैयार करके सूखने के लिए रख दिया था, क्योंकि बाद में जब मैं दिखाऊंगी तो वो गीला रहेगा और मैं आपको पूरी तरह से दिखा नहीं पाऊंगी। अब इसमें भी हमारा इधर सिलाई हो गई है और इसको अब हम हाथ से पकड़ते हुए इसको यहाँ पे सिलेंगे। और ये हमारी डॉल अभी इतनी तैयार हुई है। अब जो हमारा ये हमने हाफ कट करके जहाँ से डॉल डाली थी उसको कंप्लीट करेंगे, और ये जो लेस है इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो इसमें भी हम उसी तरह से पहले कच्चा कर लेंगे, और यहाँ पे चाहे तो आप साटन रिबन वगैरह भी लगा सकते हैं, बो लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने इसकी लेस की ये देखिए टाई लगाई थी यहाँ पर, तो अब इसको लगाने के बाद हम यहाँ पर इसके नीचे फैब्रिक ग्लू लगा देंगे, जिससे कि जो हमने वहाँ पे हाफ इंच का कट दिया था वो फैब्रिक भी डॉल के साथ जाके चिपक जाएगा, और इसके पीछे जो कट आया था ये देखिए सीडी के अंदर चला गया है वो, लेकिन हमें वहाँ पे फैब्रिक ग्लू डालना ही होगा ताकि वो जो कपड़ा हमने कट किया था सिलाई तो की नहीं थी तो वो हमारा वहाँ पे मजबूती से चिपक जाए। और ये जो फ्लैट आया है जब हम इसको दीवार के सहारे टांगेंगे तो ये बिल्कुल दीवार से लग के चिपक के खड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ भी हम कॉटन भर देते तो ये उठा हुआ इसका सिर रहता तो जो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से ये हमारी डॉल तैयार हो गई है। अब इसका इस्तेमाल आप कहीं भी किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये था आज का हमारा होल्डर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।